आज की वीडियो में हम आपका नया चैप्टर मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल्स या बहुपद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमने आपका फर्स्ट चैप्टर आपको कुछ वीडियोस में कंप्लीट करा दिया है, आप जाकर उस वीडियोस को देख लें। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आइए अब हम आपके सेकंड चैप्टर जिसका नाम पॉलीनोमियल्स है उस पर बात करते हैं। ठीक है, आइए चैप्टर चैप्टर है हमारा पॉलीनोमियल्स बहुपद। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पॉलीनोमियल्स आखिर होते क्या है, पॉलीनोमियल्स होते क्या है। तो आइए हम पहले शब्द पे बात करते हैं। पॉलीनोमियल्स, ठीक है, तो आपको बता दूं कि पॉली इसका अर्थ है कई बार, कई चीजों, ठीक है, अनेक बार, ठीक है, रिपीटेशन, ठीक है, बहु मतलब बहुत सारे, बहुत प्रकार, ठीक है, नोमियल्स मतलब पद या स्टेप, ठीक है, तो ए मैनी यानी बहुत ज्यादा, अनेक, कई बार, ठीक है, और नोमियल्स यानी पद स्टेप मतलब बहुत, हिंदी में देखें अगर हम तो बहु पद मतलब बहु का मतलब बहुत सारे और पद का मतलब पद स्टेप। तो बहुत सारे जब पद, हमारे बहुत सारे पद जब आपस में मिल जाए, कई सारे पद जब आपस में मिल जाए तो हमारा क्या बनता है, बनता है पॉलीनोमियल्स या बहुपद। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आप सब बोलते हैं पॉली थी, ठीक है, पॉली थी, ये आम तौर पर आप बोलते हैं, लेकिन इसका रासायनिक भाषा में नाम कुछ और है, ठीक है, इसको रासायनिक में हम बोलते हैं पॉली एथिलीन, ठीक है, पॉली एथिलीन, पॉली मतलब कई सारे एथिलीन, जब कई सारे करोड़ों एथिलीन आपस में मिल जाती तब हमें पॉली एथिलीन या जिसको आप आम भाषा में क्या बोलते हैं, पॉलीथीन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो बहुपद क्या है, बहुत सारे पदों का समूह, ठीक है, ओके, आइए आगे देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं, किसी भी टॉपिक को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल चार, किसी भी चीज को चार मेथड होते हैं व्यक्त करने के लिए। कौन कौन से, देखो, फर्स्ट आपका वर्ड्स, ठीक है, शब्द के रूप में आप उसे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, सेकेंड आपका नंबर्स, ठीक है, संख्या के रूप में आप उसे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, थर्ड वेरिएबल्स, ठीक है, या चर, ठीक है, चर वेरिएबल्स के रूप में आप उसे व्यक्त कर सकते हैं, फोर्थ आप उसे डायग्राम्स के माध्यम से या फिर के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बहुपद में केवल और केवल ज्यादातर हम बात करेंगे किस पे, वेरिएबल्स और डायग्राम्स। ठीक है, आपने नाइन्थ क्लास में केवल बहुपद के बारे में पढ़ा है, ठीक है, बहुपद क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है, आपने इनके बारे में पढ़ा है। अब हम उन्हीं बहुपदों को डायग्राम्स के माध्यम से इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो आइए आपको बताता हूँ कि इसकी मतलब किस प्रकार जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किसी भी बड़े चीज को या बड़े नंबर को या बड़ी क्वांटिटी को एक छोटे अक्षर से व्यक्त करना ही हम
व्यक्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई? पॉलिनोमियल की। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 and so on ये हमारी क्या प्राकृतिक संख्या। अगर हमें x लिख दे, सिंपल x, x क्या हमारा वेरिएबल, तो आप क्या लिख सकते वेयर x इज अ नेचुरल नंबर्स। x क्या हमारा नेचुरल नंबर्स। अब यदि बात करें 2, 4, 9, 25 and 16, 25 and so on ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करने का x स्क्वायर, वेयर x इज क्या x इज अ नेचुरल नंबर ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ठीक है, नेचुरल नंबर। x की मान अब यदि x स्क्वायर दिखा है और वहां पर x क्या है हमारा नेचुरल नंबर, तब हम इसको सिंपल नंबर क्या लिख सकते हैं a। x का मान 1 रखेंगे, 1 2 रखेंगे, 4 इस प्रकार से हमें 2 नहीं, 2 हमारा स्क्वायर नहीं है ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 का स्क्वायर 3 और सॉरी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 ओके। तो ये सारे हमारे क्या है नेचुरल नंबर के स्क्वायर। तो किसी भी बड़ी क्वांटिटी को या बड़े नंबर्स को एक छोटे से रूप में व्यक्त करने के लिए ही हमें बहुपद की आवश्यकता हुई ठीक है, पॉलिनोमियल्स की आवश्यकता हुई ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या ठीक है। जैसे एक बहुपद हमारा दिया ठीक है, क्या 4x³ - 3x² + xy² + 6 ये एक हमारा क्या दिया है पॉलीनोमियल ठीक है। अब इसी से हम आपको इसके सारे क्वालिटीज को बताएंगे ठीक है। क्या हम फर्स्ट स्टेप उठाएंगे ठीक है, इसको हम साइड में करें (4x³) ठीक है। इसमें जो हमारा अचर या कॉन्स्टेंट पद है वो क्या कहलाता हमारा कोफिशिएंट ठीक है, कोफिशिएंट। और जो हमारा चर ए एक्स ये क्या है वेरिएबल ठीक है। और जो पावर है ये हमारी क्या कहलाती एक्सपोनेंट, हिंदी में चार हमारा क्या है गुणांक एक्स चर और 3 पावर या घात है ठीक है, इसको हम पावर ऑफ एक्स भी पढ़ सकते हैं ठीक है। तो अगले स्टेप में 3x जो -3 है वो क्या है कोफिशिएंट ठीक है, और x क्या है वेरिएबल और एक्सपोनेंट क्या है मान 2 ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है 2। अब इस स्टेप में x by इसको हम क्या लिखते हैं 1/4 और x की पावर 1, तो कोफिशिएंट क्या है 1/4, वेरिएबल x और एक्सपोनेंट क्या है 1 ठीक है। अब 6 पे बात करें, 6 तो हमारा एक कांस्टेंट नंबर है तो इसको क्या हम ऐसा किस आपको बता दूं किसी भी संख्या की पावर 0
या किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो का मान हमारा वन होता है, क्या होता वन, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिक्स इंटू वन और सिक्स इंटू एक्स टू दी पावर जीरो, ठीक है। तो जो हमारा कोफिशियंट है वो क्या हो गया, सिक्स वेरिएबल एक्स और एक्सपोनेंट जीरो, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल मतलब हमारे बहुपद में उसके किसी भी पद में कितनी चीजें होती हैं, तीन, एक्सपोनेंट वेरिएबल और एक्सपोनेंट वेरिएबल और कोफिशियंट, ठीक है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है, क्या होती है पॉलीनोमियल की हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इस पे बात करते हैं, ठीक है। आप कई क्वेश्चनों को देख सकते हैं तो जो हमारे बहुपद हैं आपकी बुक्स में या तो वो असेंड पावर एक्सपोनेंट के असेंडिंग ऑर्डर में दिए होंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे कि कोई बहुपद है 5x² प्लस 6 प्लस 3x, तब क्या बोला जाए ए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, ए हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है 2, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है 0, यहाँ वेरिएबल की पावर 1, ठीक है। तो ए हमारी पावर का ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर है और ना ही डिसेंडिंग, ना तो आरोही क्रम है और ना ही अवरोही। तब अगर हमें किसी भी बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म प्राप्त करनी है तब हमें क्या करना होगा, एक्सपोनेंट एक्स की एक्सपोनेंट के हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे लिखना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, तब टू आपका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, आरोही क्रम 2, फिर नहीं 0 0 1 एंड 2, ठीक है। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्या होगा, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, ठीक है। तो किस प्रकार से 6 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है। आप अब दो ही क्रम में देखें तो क्या होगा, सबसे बड़ा फिर इससे छोटा फिर, ठीक है। तब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर फिर 1 पावर जो 1 है प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। तो यदि हमें किसी भी पॉलीनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तब हमें उसके वेरिएबल की पावर को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख ली कि किसी भी बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है, बात इस पे होगी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स क्या होगी, या हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद की घात क्या होती, ठीक है। तो किसी भी बहुपद में जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही बहुपद की क्या कहलाती, घात या डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। जैसे इसमें x की पावर क्या है 3, इसमें एक्सपोनेंट ऑफ x क्या है 2, इसमें एक्सपोनेंट ऑफ x 1, इसमें 0
तो हाई एक्स पावर क्या है, 3 तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, क्या हो गया 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 3। अब बात की जाए आपसे 5x की पावर 4, 3x की पावर 3, 6x² + 2x + 5x की पावर 0। अगर आपसे पूछा जाए कि इस बहुपद की घात क्या है या डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है, तब हम बात क्या करेंगे। यहाँ पर क्या है हमारी पावर एक्स की 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। तब हाई एक्स पावर ऑफ एक्स क्या है 4, तब डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगी 4। तब हमारी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 4, ठीक है। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया है आपको उसमें एक्स की हाई एक्स पावर को देखना है, वही उसकी क्या कहलाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किसी भी बहुपद में आपने बहुपद की घात देखी, ठीक है। आप हमें आप पॉलिनोमियल, ठीक है, हमने बताया था पॉलिनोमियल मतलब कई सारे बहुपद, आप कई पद स्टेप आपस में मिल जाएं तो वो एक क्या बनाते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल कई प्रकार के होते हैं, जैसे मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल और बायोनोमियल और ट्रायोनोमियल, ठीक है, एक पदीय बहुपद, ठीक है, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद, ठीक है, ऐसे आगे तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे बात की जाए 2x, इसमें केवल एक पद आया तब ये हमारा कौन सी कैटेगरी में मोनोमियल, ठीक है। बात आगे बात की जाए 2x + 5, तब ये हमारा सेकेंड में बायोनोमियल पॉलिनोमियल। अब बात की जाए आपकी x² + 2x + 5, तब ये ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको पता करना है कि कौन सा बहुपद हमारा एक पदीय है, कौन सा द्विपदीय है और कौन सा त्रिपदीय है। जितने स्टेप होते जाए उतने ही हमारे बहुपद का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। यदि एक स्टेप है तब मोनोमियल, दो स्टेप है तो बायनोमियल, ठीक है, और तीन स्टेप है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि कंडीशंस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई भी बहुपद की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, कंडीशन क्या होती है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं, कोई भी हमारा बहुपद उठाइए, एक पहले स्टेप को हम ले लेते हैं 4x³, ठीक है, तीन चीजों से मिलकर बना, एक कोफिशिएंट, ठीक, सेकंड वेरिएबल और एक्सपोनेंट, ठीक है। अब कंडीशन किन पे अप्लाई, जिससे वो मिलकर बना है, तब जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट में कोई भी कंडीशन नहीं है, कोफिशिएंट हमारा फर्स्ट
जो कोफिशियंट है वो हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोफिशियंट हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, कोफिशियंट हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब वास्तविक संख्या कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, मतलब कोफिशियंट से हम फ्री, कोफिशियंट में कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। आप सेकंड वेरिएबल फिर अभी बात करेंगे, पहले एक्सपोनेंट पे आते, ठीक है, पहले वेरिएबल पे आते हैं, ठीक है, वेरिएबल में क्या कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, वेरिएबल तो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता, कोई भी, वो तो वेरिएबल है ना, तो नो कंडीशन हो वेरिएबल में भी आपकी कोई भी कंडीशन नहीं है। अब कंडीशन जो है हमारी केवल और केवल किसके है, एक्सपोनेंट की, एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, तो इसकी केवल और केवल दो कंडीशन है पावर, फर्स्ट कि जो हमारी एक्स की पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जो एक्स की पावर है आपकी, यदि किसी बहुपद में एक्स की पावर नेगेटिव है तब वो हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है। यदि आपको पहचान करने कुछ क्वेश्चन दिए होंगे कि बताइए ये बहुपद है या नहीं है, ठीक है, तब यदि x की पावर नेगेटिव है तब वो हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। सेकंड, जो आपकी x की पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अनुपात में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दो कंडीशन, फर्स्ट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन आपकी फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या बात करें तो पावर हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर, ठीक है, 0, 1, 2, 3 and 4, ठीक है। तो x की पावर में कंडीशंस केवल दो हैं कि x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, यदि कोई ऐसा हमें बहुपद दिया है तब वो बहुपद हमारा नहीं है, ठीक है। तो x की पावर क्या होती है, होल नंबर, क्या, होल नंबर, ठीक है। आइए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, लिस्ट, यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4yx + 6 क्या ये हमारा बहुपद है, पूछा जाए क्या ये हमारा बहुपद है, तब हम क्या करेंगे, तब हमें देखना है जो 3x, इसको लिखेंगे आप 3x² + इसको क्या रख सकते हैं, पावर अपॉन में आपकी वन है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1, 4x - 1 + 6, तब जो आपका ए, ये रियल नंबर है कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल में नो कंडीशन, ठीक है, पावर इसमें हमारी क्या है, होल नंबर है, ए हमारा इसमें नो कंडीशन, एक्स में भी नो कंडीशन, यहां पर पावर क्या है, नेगेटिव, और ये हमारी होल नंबर नहीं है तब ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। यदि आपसे चेक करने के लिए आए, चेक दिस, क्या हमारा ये बहुपद क्या है, बहुपद है या नहीं है, तब हमें क्या करना है, उनकी पावर्स को देखना है, पावर यहाँ पर एक्स की पावर 0, तब वहां पर पावर नेगेटिव आ गई है तो ये हमारा बहुपद नहीं है। अगली बात करें हम 10x² + 6x + 5, क्या ये हमारा बहुपद है, देख सकते हैं x की पावर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, ये सारे हमारे क्या है, होल नंबर, तब ये हमारा बहुपद
होगा, ठीक है। और एक्स टू एक्स स्क्वायर या टू एक्स प्लस सिक्स टू एक्स प्लस फाइव पूछा जाए क्या ये हमारा बहुपद है, तब यहाँ पर x की पावर वन, लेकिन यहाँ पर x की पावर वन बाई टू, दिस इज नॉट आ होल नंबर, ये हमारा होल नंबर नहीं है, तब ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो हमने क्या सीखा इस वीडियो में, बहुपद हमारे क्या होते हैं, ठीक है, बहुपद की डिग्री क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बहुपद की, ठीक है, और कंडीशंस, यदि कोई भी इस फॉर्म में आपको दिया है और आपको पता लगाना है कि वो हमारा बहुपद है या नहीं है, तो उसकी कंडीशंस क्या होती है, इस वीडियो में मैंने आपको ये सब बता दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो आप अपनी बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लें, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, क्योंकि आपको ना कोई रोके ना कोई टोके, आप तो सब्सक्राइब का बटन ठोके। थैंक यू सो मच।